हेलो गाइस, देखिए गटर देखिए कुछ इस तरह से बनाया गया है। ये 25:8 की पट्टी का इस्तेमाल किया गया है, नीचे एंगल का बेस दिया हुआ है। 25:8 की पट्टी काफ़ी मज़बूत हो जाती है, जिसके ऊपर से अगर गाड़ी गुजरती है तो ये बेंड होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो देखिए कुछ इस तरह से पानी निकल जाने के लिए जगह होगी। और इसके अंदर अगर कचरा, इन दैट केस अगर कोई कचरा वगैरह फंसता है तो जाली को उठाकर हम लोग कचरे को साफ करना काफ़ी आसान हो जाता है और मजबूती के हिसाब से भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अगर 8 की पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है तो ये ठीक एंट्री साइड पर ही 8 की पट्टी यूज़ की गई, 25:8 की पट्टी। देखिए इस तरह से अगर गाड़ियाँ आती हैं तो फोर व्हीलर के दबाव से ये बेंड होने के चांसेस बहुत ही कम है। देखिए कुछ इस तरह से पूरा वर्क वहाँ तक हो गया है। अब वहाँ थोड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से कम किया गया है, जो कि राहुल बना रहा है यहाँ पे। ये देखिए वहाँ का जो बचा हुआ टुकड़ा है ये राहुल यहाँ पे बना रहा है। देखिए इसमें 1.5 इंच का गैप लेकर राहुल बना रहा है, 1.5 के पाइप से उसने गेज लगाया हुआ है। किसी तरह से ये पट्टियाँ एक 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 करके यहाँ से लगती चली जाएंगी और अपना फ्रेम रेडी हो जाएगा। उसका अगर इंच वाइज देखा तो ये कुछ जा रहा है 15 इंच, हर बार 15 इंच के हिसाब से ये बन रही है फ्रेम। ठीक है सर, फ्रेम बनने के बाद यहाँ पर लगने वाली है यहाँ का हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 8 फिट का डिस्टेंस है, जो कि 2 टुकड़ों में शायद बनेगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कुछ भी सुझाव हो तो कृपया कर ज़रूर हमें सुझाव दें, हमें चैनल को ग्रो करने के लिए। थैंक यू।